बनाई हुई है, वो वीडियो दे दीजिए ताकि वो भी चला लीजिए। मैं आज बात बोल कर लिया बनाता हूँ। हाँ, लेकिन हमारी स्पीड भी इतनी होनी चाहिए ना अंदर। तो अगर आप अपना आईफोन भी है तो भी अभी ये जो जो मर से ना एग्रीकल्चर से, तो आज तमे ड्रोन आ हमारो अद्विक छे અને આ ઇક્યુબ છે ફ્લાયફાર ટેકનોલોજી થી। તો એ ફ્લાયફાર ટેકનોલોજી એટલે શું, તમે 10 કિલોમીટર સુધી ડ્રોન ઉડાવી શકો। હમણાં જે રીસેન્ટ અમે એચીવ કરેલું એ લેહ લદ્દાખ ની જે ઘાટીઓ છે એમાં ઉડાડો સ્લો સ્લો માં। ભાઈ આ તમારા આંખમાં તમારે આંખ મશીન નીકાળી દે સાથે ઓપરેટ થઈ ગયું છે દવા કાઢવા માટે। હા, તમને અગર એવું હોય તો આપણે તાપન જઈ શકીએ વહાં પે છે વો કંટ્રોલર હે ના બૂસ્ટ કરે તો પાક થાય। तो मेरा नाम है अर्ज चौधरी और मैं इनसाइड एसपी कंपनी का को फाउंडर हूँ। हम डीप टेक ड्रोन कंपनी है और हम कंज्यूमर एग्रीकल्चर और डिफेंस में काम करते हैं। हर्ष भाई, आपको एक ऑर्डर मिला है इसराइल से, क्या है ड्रोन की क्या विशेषता है और क्यों आपको ये ऑर्डर मिला? सो हम लोग ये जो टेक्नोलॉजी है लास्ट 4 साल से इस पे काम कर रहे थे, ये फ्लाईफायर टेक्नोलॉजी है। और अभी आप जो देख रहे हो आपने अद्विक हमारा जो है एफपीवी कैटेगरी ड्रोन वो देखा है, तो ये ड्रोन है। आप इधर बैठ के हाथ में कंट्रोलर लेके हेडसेट पहन के 10 किलोमीटर तक ड्रोन उड़ा सकते हो। अब ये जो हेडसेट है वीआर हेडसेट नहीं है, रियल टाइम हेडसेट है जो आपको फीड देता है। अब ये जो ड्रोन है वो 250 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है, तो ये स्पीड से फ्लाई करने के साथ साथ वो एक छोटे गैप्स में से भी निकल सकता है, ये 360 डिग्री फ्लिप भी कर सकता है, इसमें बहुत ज्यादा मैन्युवरेबिलिटी है। अब ये ड्रोन अगर समझ लो जाते आते अगर गिर जाता है या क्रैश होता है तो ये वापस से सीधा हो सकता है, तो इसमें सीधा होने के बाद ये वापस से डिप्लॉय हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज आर्मी में जो है इतने बड़े बड़े ड्रोन यूज किए जाते हैं, तो ये जो ड्रोन है ये 1 मिनट के अंदर डिप्लॉय हो सकते हैं। तो आज मेरे को सिर्फ बैग में से सामान निकालना है, ड्रोन का कंट्रोलर हो गया, हेडसेट हो गया, और इसको मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ। आज हमने ये जो टेक्नोलॉजी बनाई है इसको बनाने में 4 साल लगे, तो इसमें ये हो सकता था कि हम कुछ नहीं कर पाए या हो सकता था बहुत कुछ कर पाए, और आज जो देख रहे हो वो ये सब रिजल्ट्स है इसके। राइट, तो हमारे आर्मी डेमोन्स्ट्रेशन तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली लेह लद्दाख में कॉम्पिटिशन था जिसमें हमारा ड्रोन 16,000 फीट पे फ्लाई किया एट अ टेम्परेचर ऑफ -4 डिग्री सेल्सियस, और वहां पे भी ड्रोन ने एट अ स्टेच 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर डिस्टेंस जाके फिर से रिटर्न आया। तो ये ड्रोन एक टेरेन चैलेंजिंग टेरेन में उड़ा है। आज आपको पता है लेह लद्दाख एक ऐसा टेरेन है जहां पे एक ह्यूमन एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, साथ साथ ड्रोन के इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। वो टेरेन कंडीशंस में ड्रोन टेस्टेड है और वहां पे हम फर्स्ट आए थे एफपी कैटेगरी में। वहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लेह लद्दाख है, आर्मी जनरल है, नॉर्दर्न कमांड्स के जो जनरल है, उन्होंने हमें ये अवार्ड से सम्मानित किया था, तो ये काफी गर्व की बात है हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।